फ्री फायर बैन होने वाला है, एकदम कंफर्म हो गया मेरे भाई। ये भगवान क्या जुलूम है। एक तो आईफोन में फ्री फायर चलना बंद हो गया, तुम लोगों को पता है, और फ्री फायर बहुत लोगों का ओपन भी नहीं हो रहा आज, ये भी तुम लोगों को पता होगा। उसके पीछे क्या रीजन है, फ्री फायर बैन हो रहा है क्या? हाँ भाई फ्री फायर बैन हो रहा है, वो भी कंफर्म डेट बता देता हूँ। 80% चांस है फ्री फायर बैन हो जाएगा। फ्री फायर वैसे पबजी का जो केस चल रहा था, हो सकता है उसमें फ्री फायर हार गया हो केस। क्या बात करते हैं यार। क्योंकि यार एप्पल स्टोर से फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स हटी है। तुम लोगों को अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम्हारे किसी भी दोस्त के पास या तुम्हारे मम्मी पापा के पास अगर आईफोन है तो उसके एप्पल स्टोर में फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स सर्च करो, तुम्हें पता चलेगा कि यार हट चुका है। मतलब कुल मिला के फ्री फायर अब आईफोन में नहीं चलेगा, एंड्रॉइड में चलेगा, पीसी में चलेगा, लेकिन आईफोन में नहीं चलेगा फिलहाल। तो हो सकता है बाद में वापस आ जाए, लेकिन अभी तो हट चुका है ना। तो फ्री फायर एप्पल स्टोर में बैन हो गया, यही तो बोलेंगे ना इसको, मतलब आईफोन में फ्री फायर बैन हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए, अब ऐसे ही एंड्रॉइड में भी तो हो सकता है, पीसी में भी तो हो सकता है मेरे भाई। इसके पीछे का रीजन अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि उसको एक दिन या दो दिन ही हो रखे हैं। जहाँ तक मुझे पता है इसका एक रीजन हो सकता है मेरे भाई, जो फ्री फायर उसे पबजी का केस चल रहा था उसमें हो सकता है फ्री फायर हार गया हो। लेकिन भाई फ्री फायर के पास इतना पैसा है, कुछ ना कुछ करके वापस से एप्पल स्टोर में लाई जाएगा, देख लेना। लेकिन यार फ्री फायर को एप्पल स्टोर में वापस लाने में, मतलब आईफोन में वापस लाने में कितना टाइम लगेगा, ये तो मैं भी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए, तो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि यार एंड्रॉइड में बैन ना हो फ्री फायर। और आज यार बहुत सारे लोगों का गेम भी नहीं चल रहा है, ये तो तुम लोगों को पता होगा ना। अगर तुम भी उनमें से कोई हो कि तुम्हारा गेम ओपन नहीं हो रहा है, तुम ये मत सोचो कि फ्री फायर बैन हो गया है, क्योंकि यार मेरा तो एकदम धमाकेदार चल रहा है। अब मैंने जब इसके पीछे का रीजन पता किया तो मेरे को दो रीजन पता चले, मतलब तुम लोग दो रीजन से गेम चला सकते हो। या तो तुम लोग यार कोई दूसरी सिम का नेटवर्क यूज करो, तुम्हारे गेम तुम्हारे मोबाइल में जो भी सिम है ना उसका नेट यूज मत करो, तुम दूसरी सिम का नेट यूज करो। और अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो तुम लोग वाईफाई यूज करो भाई, ब्रॉडबैंड होता है वाईफाई होता है ना, उसको यूज करो तो तुम्हारा फ्री फायर पक्का ही चलेगा। लेकिन अगर तुम लोग अपना गेम चलाना चाहते हो और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो मेरी बात सुन लो कि तुम लोग कुछ मत करो, फ्री फायर इसको खुद ब खुद सही कर देगा। और एयरटेल सिम वालों के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एयरटेल जो कंपनी है उसमें कुछ ग्लिच आ रखा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जिससे यार उसके नेटवर्क बहुत ही स्लो हो गई है। इसलिए ज्यादातर जिनके फोन में गेम नहीं खुल रहा है उनकी एयरटेल की सिम है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो यार खुद ब खुद सही हो जाएगा एक दो दिनों के अंदर, क्योंकि अगर सही नहीं होगा तो यार एयरटेल वालों को बहुत घाटा हो जाएगा, फ्री फायर वालों को बहुत घाटा हो जाएगा। खुद ब खुद सही हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और अब बात करते हैं फ्री फायर बैन हो गए नहीं भाई, फिलहाल तो फ्री फायर बैन होने की कोई भी न्यूज नहीं आ रखी है, लेकिन यार ऐसा महसूस हो रहा है कि फ्री फायर बैन हो सकता है, क्योंकि यार अभी यार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन भी आ रही है, फ्री फायर वर्सेस पबजी चल रहा है। मतलब क्राफ्टन कंपनी ने फ्री फायर में केस कर रखा है ना, अगर क्राफ्टन कंपनी जीत गई और कैसे ना कैसे फ्री फायर को हरा दिया तो फ्री फायर बैन होने की कतार में आ सकते हैं। भगवान क्या जुलूम है, मतलब उसको प्ले स्टोर से भी हटा देंगे, एप्पल स्टोर से भी हटा देंगे। लेकिन यार फिर भी फ्री फायर बैन नहीं होगा, वो किसी ना किसी वेबसाइट में अपना गेम लॉन्च कर देगा, गरीना की खुद की वेबसाइट बना देगा जिससे हम लोग फ्री फायर डाउनलोड कर पाएंगे और खेल पाएंगे। 80% चांसेस तो फ्री फायर बैन हो जाएगा, लेकिन भाई जो 20% चांसेस है फ्री फायर बैन नहीं होगा। और फ्री फायर बैन हो भी गया ना तो कुछ दिनों के अंदर वापस आ जाएगा, तो तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो। और इस वीडियो को जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा ना उसको गिवअवे पक्का ही मिलेगा, तो हर बंदा शेयर कर देना ताकि ये जानकारी हर बंदे को भी मिल जाए और साथ ही में गिवअवे भी मिल जाए।